प्रकार से इसका स्प्रेड आप कर देंगे साइज जैसा रखना हो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आप फोटो में इफेक्ट लगा सकते हैं। डेट मीन्स आप जैसा कि किसी प्रकार के जो प्रचार को देखते रहते हैं उसमें फ़ोटो रहता है, फ़ोटो में 3D के तरह वो निकला हुआ रहता है, तो यहाँ पे वही बताएंगे जो किस प्रकार से आप फ़ोटो में शेप लेके उसको इफेक्ट बना सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं सुजीत आपके लिए लेके आए हुए फोटोशॉप सीसी का 12वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको शेप में किस प्रकार से फ़ोटो को इफेक्ट बनाया जाता है ये पूरी जानकारी हम आपको बताएं। तो बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फ़ोटोशॉप पर चलेंगे और वहीं पर देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि यहाँ पे हम फोटोशॉप में चले और आने के बाद जैसा कि एक हम फ़ोटो ले लिए, ठीक है। अब ये फ़ोटो लेने के बाद इसमें हम इफ़ेक्ट लगाना आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे जो शेप लेना, ठीक है। शेप अगर आपका नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कस्टम शेप हो गया, ठीक है। कस्टम शेप पे आके इसके हम फेस पे कोई एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से आप जो लेना हो ले सकते हैं। बाय द वे हार्ट दिल है, इसी को हम ले लेते हैं। और ये लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये है जो पाथ सिलेक्शन होना चाहिए, ये शेप होगा फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप पाथ रखिए। अब इस पे हमको क्या करना है, एक इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ करना है। देखिए शिफ्ट के साथ करने से क्या फ़ायदा है, ये एक रेशियो में बड़ा होगा जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर लिए, ठीक, ये रेशियो में हो गया। अब ये रेशियो में होने के बाद इसको हमको इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए जैसे ही बड़ा हो गया कंट्रोल जेड कर देते हैं। चलिए हम इसको ऐसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और आने के बाद इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको हम ड्रैग करके लिया है, ठीक है। अब आपको अगर ऊपर हो गया तो कंट्रोल को दाबे रहिए और इस प्रकार से ला सकते हैं। कंट्रोल टी करके इसको और बड़ा करना है तो कर सकते हैं। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके। अब यहाँ पे देखिएगा ये बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। एक और बनाने के लिए कंट्रोल सी से आप कॉपी कीजिए और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे तो आपको कोई चेंजिंग नहीं लगेगा, बट यहाँ पे है जो एक लेयर आ चुका है। देखिए इसको अगर आप मूव टूल पर ला के इसको साइड कीजिएगा तो ये साइड हो जाएगा। फिलहाल हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लेयर बन चुका है। अब इसके बाद ये लेयर पे काम करना है। इसके लिए क्या करना है, दो तरह से यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि पहला कि आप यहाँ से आइए और लेयर, ठीक है, लेयर में आइए। और लेयर में आने के बाद लेयर स्टाइल है और इसके बाद नीचे है जो ड्रॉप शैडो, ठीक है। ड्रॉप शैडो में आ जाइए। ड्रॉप शैडो में आने के बाद यहाँ से देखिए इस पर क्लिक होना चाहिए और इसके बाद इसका ओपेसिटी अगर कम है इसको फुल कर लीजिए 100%। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नॉर्मल रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी रख सकते हैं। इसका डिस्टेंस आप अपने हिसाब से बायां दायां कर सकते हैं, बायां दायां बोलते दूर कर सकते हैं। बायां दायां करना हो तो यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 30 पे था, हम 30 ही रहने देते हैं, ठीक है। और पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं, आते फिर से लेयर पे, और लेयर पे आने के बाद यहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद हम सेकेंड मेथड भी आपको हम बताएंगे, लेयर स्टाइल पे आके ड्रॉप शैडो पे आ जाएंगे। अब आने के बाद इसका जो स्टाइल वगैरह कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसका साइज है, आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और स्प्रेड इसको और बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से डिस्टेंस आपका ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और स्प्रेड भी कम कर दीजिए और इस प्रकार से साइज को फुल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर नॉइज आपको देना है हल्का हल्का साइड में, देखिए नॉइज आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बाय द वे ऐसे आप दे सकते हैं, ये इफ़ेक्ट है जो एक बेस्ट लग रहा है, इसको आप बगल में भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें नॉइज नहीं बेस्ट लगता है, नॉइज बैड लग रहा है। तो इसके बाद फिर से हम आते हैं ड्रॉप शैडो पे एंड इसके बाद नॉइज को पूरा कम कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए ये तो हो गया, इसका साइज वगैरह आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका ये ग्रो यहाँ से हो गया, ग्रो में अगर इसको भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेड करना हो, ठीक है, यहाँ से ब्लू करना हो, जैसा करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार से जैसे कर दिए, ठीक है। वैसे ब्लैक थोड़ा बेस्ट लगता रहता है, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है।
होने के बाद इसमें देखिए आउटर ग्रो है, अगर ग्रो में भी कुछ करना चाहते हैं जैसे रेड का हो गया, ठीक है, नॉइज हम कम कर देते हैं, हल्का सा रेड देना चाहते हैं ओपेसिटी तो हल्का सा रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओपेसिटी ये है जो इसका ओपेसिटी है, बाकी ये साइज ये ज़्यादा है तो इसको पतला कर दीजिए, ओपेसिटी है जो पूरा कर दीजिए, और इसका साइज है जो 3 कर दीजिए, ठीक है, तो हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 कीजिएगा, जैसे बगल में आपको दिखाई दे रहा है, अगर 2 कीजिएगा तो इसमें आपको अपने हिसाब से फिर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। बाकी आपको जितना रखना है रख सकते हैं, और यहाँ से तो इसका है जो आप है जो इसका है जो एंगल वगैरह घुमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका साइज तो यहाँ समझ गया, और यहाँ से इसका कलर भी आपको लेना हो तो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया, इसको अगर यहाँ पे नहीं लगना है बगल में रखना है तो कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, बगल में ला के इसको छोटा करके भी इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जैसा रखना हो रख सकते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए फिर से एक और फोटो को हम आपके दिखा दे रहे हैं, चलिए इसको हम फिलहाल ये पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको है जो हटा देते हैं, ठीक है। अब ये है जो पिक्चर, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए पिक्चर पे आके यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, हट ले सकते हैं, एंड इसके बाद दूसरा कोई लेना हो तो दूसरा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, एरो वगैरह जैसा लेना हो, बट इसके लिए भी यही पेस्ट हमको जो लग रहा है, आपको ये लेना है तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे कीजिए और अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, पूरा गोला रखना हो तो फिर शिफ्ट के साथ, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ ये दिल है इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल को दाबे रहेंगे और इस प्रकार से आ जाएंगे, कंट्रोल टी कर देंगे और इस प्रकार से इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है, सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ यदि आप इंटर बटन नहीं प्रेस कीजिएगा फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से पाथ वगैरह है जो पहले से बता दिए हम, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड इसके बाद न्यू लेयर आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए कि यहाँ भी है ये एफएक्स है, इस पर आइए और आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप शैडो है, ठीक है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपका फोटोशॉप 7.0 यूज कर रहे हैं उसमें भी ये काम आ जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से इसको आप ग्रो ऐसे ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब इस प्रकार से इसका स्प्रेड आप कर देंगे, साइज जैसा रखना हो वैसा कर देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस जिस हिसाब से रखना हो रख देंगे, और नॉइज अगर रखना हो तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, ठीक है, आपकी मर्जी, रखिए या नहीं रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, बाकी डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ से हम इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल टी से अगर इसको आप छोटा करके बगल में साइड में रखना चाहते हैं तो छोटा करके आप यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप इस प्रकार से छोटा कर लीजिए, फिर मूव टूल पे आइए एंड इसको आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। मुझे उम्मीद है कि ये जो फोटो में शेप इफेक्ट लगाया है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।